गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू पार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल। जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, हमारा सेकंड चैप्टर था वो मुगल काल के बारे में पढ़ रहे थे और हमारा टॉपिक जो था हमने बाबर पढ़ लिया था। उसके अंदर हमने देखा था कि बाबर जो क्या करता है भारत के अंदर, मुगल वंश की स्थापना करता है, कब करता है, 21 अप्रैल 1526 के अंदर, जब क्या कौन सा युद्ध, पानीपत का प्रथम, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर बाबर और अकबर के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध को हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं, जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। उस युद्ध के बाद में बाबर ने भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना की थी। तो बाबर के हमने प्रमुख जो युद्ध भी देखे थे, तो आज हमारा टॉपिक आ गया वो है हुमायूं। यानी बाबर के बाद में उसका पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं शासक बनता है और शासक बनने के बाद सबसे पहले जो परेशानी थी वो थी कि अपने भाइयों के बीच में अपने साम्राज्य का बंटवारा कर लो। और फिर वो क्या करते हैं, अपने भाइयों के बीच में साम्राज्य का बंटवारा करने के बाद में दीनपना नामक एक नए नगर की स्थापना करता है। पहला क्वेश्चन आ चुका है कि दीनपना नामक नगर की स्थापना किसने की, यहाँ हुमायूं ने कौन से नगर की स्थापना की, तो दीनपना नामक नगर की स्थापना की थी। फिर हुमायूं के समय में 1539 चौसा का युद्ध, 1539 के अंदर चौसा का युद्ध होता है। उस चौसा के युद्ध के अंदर शेरशाह, यहाँ पहले शेरशाह लिखेंगे, उसका कारण क्या है बताते हैं कि शेरशाह और हुमायूं के बीच 1539 में चौसा का युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद में हुमायूं की पराजय होती है और शेरशाह जीत जाता है। और इस युद्ध के बाद जो शेरशाह ने अपना नाम चेंज कर लिया, जो हो गया शेरशाह, यानी शेरशाह सूरी, यानी सूर साम्राज्य का संस्थापक भी होता है। चौसा के युद्ध के बाद में हुमायूं की पराजय के बाद में शेरशाह ने अपने नए नाम रखा, जिसका नाम था शेरशाह। और 1540 के अंदर बिलग्राम में अकलौत के युद्ध में भी शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध होता है, लेकिन युद्ध के अंदर भी क्या होता है, हुमायूं की पराजय हो जाती है और वहां से वो निकल जाता है। और कहते हैं कि युद्ध में निकलने के बाद में नदी को पार करते समय वो डूबते डूबते बचता है एक निजाम नामक व्यक्ति ने, उसकी रक्षा की थी, जिसके कारण हुमायूं ने कहा था कि मैं तुम्हें जब मेरे को भारत या साम्राज्य सल्तनत भी मिल जाएगी उस समय मैं तुम्हें एक दिन का बादशाह बनाऊंगा। तो उसके बाद में वहां से निकलने के बाद में शेरशाह के हमीदा बानो बेगम से एक पुत्र प्राप्त होता, जिसका नाम था अकबर। और फिर 1555 में जून 1555 में सरहिंद के निकट अफगानों को वापस परास्त करता है और फिर अपना वापस साम्राज्य को प्राप्त करता है। और साम्राज्य प्राप्त करने के बाद में क्या होता है, जो दीनपना नामक नगर की स्थापना की थी, दीनपना नामक नगर की स्थापना के अंदर एक किताब का बनाया गया था, उस किताब का नाम सीढ़ियों से गिरकर, यानी दीनपना नामक नगर के अंदर सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और हुमायूं जो होता है, हुमायूं की ज्योतिष में बहुत ही आस्था होती है, वो क्या करता है, ज्योतिष में आस्था होने के कारण क्या करता है, अपने पांचों हाथों में उंगलियों के अंदर अलग अलग तरह की अलग अलग कलर की अंगूठियां पहनता है, साथ ही साथ में नया नियम जारी करता है, जिसे कहा जाता है कि 7 दिन 7 तरह के कपड़े, अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाएंगे। तो कहा जाता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मारा गया। क्यों, क्योंकि लास्ट के अंदर शुरू के अंदर जब उसको साम्राज्य प्राप्त होता है, प्राप्त होने के बाद में दूसरे युद्ध के बाद उसका साम्राज्य चला जाता है और साम्राज्य के अंदर क्या होता है, हुमायूं का सीढ़ियों से गिरने के कारण क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। फिर आता है हुमायूं के अंदर, हमने इसी टॉपिक के अंदर साम्राज्य सूर साम्राज्य के बारे में और पढ़ेंगे, क्योंकि सूर साम्राज्य जो था हुमायूं से लेकर थोड़ा ही चला था। तो देखते हैं सूर साम्राज्य की स्थापना करने वाले थे या संस्थापक जो थे फरीद, फरीद या तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि शेरशाह का बचपन का नाम या प्रारंभिक नाम क्या था, फरीद, और फरीद के बाद में एक और नया नाम मिल जाता है उसको शेरशाह।
किसका? इस नियत देश से का शिकार करने के कारण बहार खान ने फरीद का नाम चेंज करकर शेर खान रख दिया था और 1539 के अंदर चौसा के युद्ध के अंदर विजय के उपलक्ष में अपना नाम शेर शाह से उसने शेर शाह कर लिया था और 1544 के अंदर गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर महादेव और शेर शाह के बीच में युद्ध होता है जिसके अंदर महादेव के दो सेनापति होते हैं जिसका नाम है जेता व कुंभा। जेता व कुंभा जो सेनापति होते हैं बहुत ही वीरता के साथ में लड़ते हैं। लास्ट के अंदर जो शेर शाह है एक लाइन बोलता है कि मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत को बैठा। उसका कारण क्या था कि इस युद्ध के अंदर बहुत ही बड़ी कठोरता या बड़ी वीरता के साथ में जेता कुंभा लड़ते हैं। लड़ने के कारण शेर शाह को यह लगता है कि अगर मैंने छल कपट का सहारा नहीं लिया होता यानी कि मैंने जेता कुंभा को फंसाने के लिए अगर छल का सहारा नहीं लिया होता तो शायद ये युद्ध में हार जाता और ये युद्ध हार जाता तो मैं क्या करता हिंदुस्तान की सल्तनत यानी हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता और महादेव के समय था अपने मारवाड़ के शासन में। और 1544 के अंदर एक युद्ध और होता है शेर शाह के बीच में कालिंदर के युद्ध में। कालिंदर के युद्ध में क्या होता है शेर शाह जब बारूद के ढेर के पास में खड़े होते हैं उनका रथ जो बारूद के ढेर के पास में खड़ा होता है एक गोला क्या होता है उस बारूद के ढेर के पास में आके फट जाता है और उस गोले के फटने के कारण क्या होता है शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट शेर शाह के क्वेश्चन के अंदर ग्रैंड कंट्रोल कि भाई ग्रैंड कंट्रोल की निर्माण किसने करवाया था करने वाले शेर शाह थे और साथ ही साथ में इनका जो गोपरा